मुख्यमंत्री मोहन यादव अनूपपुर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एकलव्य आवासीय स्कूल के ग्राउंड में विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 201 विकास कार्यों के लिए 96,69,00,000 रुपए के विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जिला सत्र न्यायालय के नवीन भवन बनाने की घोषणा की, साथ ही कोतमा में 100 बिस्तरीय अस्पताल बनाने की भी घोषणा की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बिजुबू को तहसील बनाने की घोषणा की। बता दें कि यादव के आगमन पर हेलीपैड पर उनका स्वागत किया गया। इसके बाद उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर बहनों से राखी बंधवाई, लाडली बहनों का पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया और क्षेत्रवासियों को कई सौगात भी प्रदान। बेटी है, मैं इस कष्ट को समझ सकता हूँ और खुशी बेटी के साथ होना अत्यंत दुखद है, लेकिन मैं एक बार फिर अपने इन विकास कार्यों की बात भी करूंगा। अमरकंटक अनूपपुर जिले में आया हूं, बहुत जल्दी नर्मदा महालोक का भी विधिवत निर्माण किया जाएगा और साथ ही साथ हमारा प्रयास रहेगा कि अमरकंटक में जड़ी बूटियों से जुड़ा हुआ जो बड़ा एक इसका संभावना का क्षेत्र है।